दोस्तों बीजेपी सरकार की विकास की बात सारी झूठी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की कई घटनाएं सामने आई हैं, उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी सरकार हर जगह अपनी बातों से फेल होती जा रही है। कहीं व्यक्तियों को अपने परिजनों का शव गोद में उठा के ले जाने पर ये लोग मजबूर करते हैं, तो कहीं कोई व्यक्ति एम्बुलेंस के लिए परेशान होता है। अब एक और ऐसा ही वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसे देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे कि विकास के नाम पर क्या क्या हो रहा है। स्वच्छता में पंच लगाने वाले इंदौर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम तक जाने की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि परिजन शव को उल्टे खाट पर ले जाने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब सब जगह स्वच्छता में नंबर वन आने की तमगे की किरकिरी हो रही है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी का है। यहां रहने वाले 53 वर्षीय लीलाधर परिहार ने अपने खेत पर पहुंचा और आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक वह मानसिक रूप से बीमार था, जिनका इलाज चल रहा था। फिलहाल और कोई कारण सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इधर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो यहां इंदौर को शर्मसार करने वाले नजारे देखने को मिले। जिला अस्पताल के गेट से पोस्टमार्टम रूम तक चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। एम्बुलेंस वाले ने अधिक कीचड़ होने के कारण अंदर जाने से मना कर दिया। इससे लापरवाही का अंजाम परिजनों को भुगतना पड़ा। बेबस लाचार परिजन ने आनन फानन में एक खटिया मंगाई, फिर शव को उल्टी खटिया पर रख कर पीएम रूम तक लेकर पहुंचे तो यहां भी गेट बंद थे। काफी इंतजार करने के बाद शव का पीएम हुआ, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। जब वीडियो स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंचा तो प्रश्न सवालों पर विराम लगाने के लिए आला अधिकारी ने आनन फानन में निर्माणधीन अस्पताल का काम करने वाली एजेंसी को फटकार लगाते हुए एग्रीमेंट निरस्त की चेतावनी दे डाली। दोस्तों मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी का ये हाल है, तो आप सोचिए बाकी जगह का क्या हाल होगा, जहां पर लोग काम को लेकर इतनी ढिलाई कर रहे हैं। मिलर टाइम्स हिंदी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, सड़क खराब होने के कारण इंदौर के जिला अस्पताल में मृतक किसान के परिजन खटिया पर शव लेकर पहुंचे। वहीं आपको बता दें CMHO डॉक्टर BS सत्या ने बताया है, पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शव को पोस्टमार्टम भवन तक ले जाने में हुई असुविधा के तुरंत बाद मार्ग दुरुस्त करवा दिया गया। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद कार्यवाही की गई, उससे पहले क्या ये लोग सो रहे थे? इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM न्यूज़ एक्सप्रेस।